इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इशू के बारे में। यहाँ पर हमारी रियलमी स्मार्ट टीवी है उसके अंदर हमें एकदम डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा इशू दिखाई देने लगे, मतलब कलरफुल यहाँ पर रहते नहीं है, बिल्कुल कलर सा ही उड़ जाता है। तो सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, और हम पिक्चर्स में जाते हैं तो सब कुछ ही नॉर्मल ही रहता है, यहाँ पर इसको रीसेट भी करते हैं तो तब भी यही जो है, मतलब कोई भी कलर में ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं आता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पानी वानी की जगह पर आप मत रखिएगा बिल्कुल भी अपनी एलईडी वगैरह को, ठीक है, स्मार्ट टीवी को, या फिर करंट में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए तो दिक्कत आ सकती है वरना। बाकी यहाँ पर आप जो है बैक ला दीजिए और डिवाइस परफेंसेस पर दोबारा जाइए और अबाउट फ़ोन पर जाइए और सिस्टम अपडेट पर जाइए। और अगर यहाँ पर आपको, ठीक है, अपडेट मिलता है नया तो अपडेट कर लीजिए, नहीं मिलता है तो बैक ला दीजिए। उसके बाद आप जो है यहाँ से बैक लाइए और नीचे जाइए, नीचे जाने के बाद यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पर जाइए और इसको बंद कर दीजिए। अगर इसको बंद करने के बाद आपको बहुत सारे कलर्स वापसी आ जाते हैं आपके, ठीक है, तो ठीक बात है, लेकिन अगर कलर्स में कलर नहीं आते आपको तो वो एक अलग बात हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक लाना है। अगर आपका इशू यहाँ पर भी सॉल्व नहीं होता, मेरा तो यही इशू था जिसकी वजह से सॉल्व हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर भी आ चुके हैं, लेकिन अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो अबाउट फोन में जाइएगा, यहाँ पर फैक्ट्री डेटा रीसेट पर जाइएगा, यहाँ से रीसेट मार लीजिएगा इसको बस, तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम होगी ये सॉल्व हो जाएगी। तो ये इतना सा प्रोसेस रहता है बस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।